नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कस्बा भी है जहां पर भारतीय कानून नहीं चलता? इतना ही नहीं, इस कस्बे के लोग अपने आप को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। आइए आज आपको इस कस्बे के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं कि आखिर यह कस्बा भारत के किस राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है यह कस्बा। भारत के हिमाचल प्रदेश में कस्बा मलाना है, जहां पर रहने वाले अपने आप को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। इनके पास इस बात का प्रमाण भी मौजूद है। कस्बे के जाने माने लोग मलाना के जमलू देवता के मंदिर के बाहर लकड़ी की दीवारों पर की गई नक्काशी दिखाते हैं। इस नक्काशी में युद्ध करते सैनिकों को एक विशेष तरह की वेशभूषा में हथियारों के साथ दिखाया गया है। चारों ओर से मनमोहक पहाड़ियों से घिरा मलाना नदी के तट पर बसा मलाना कस्बा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इस कस्बे की खास बात तो यह है कि भारत का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलता। यहाँ पर फैसले लेने और उसका पालन कराने की परंपरा भी बिल्कुल अलग है। कस्बे में बनी संसद अगर फैसला नहीं ले पाती तो फैसला यहाँ के जमलू देवता करते हैं। कस्बे में विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी कायम है। इस गांव की अपनी अलग संसद है, जिसके दो सदन ऊपरी सदन व निचला सदन होते हैं। ऊपरी सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य कारदार, गुरु व पुजारी स्थायी सदस्य रहते हैं। शेष 8 सदस्यों को गांववासी मतदान द्वारा चुनते हैं, जबकि निचले सदन में गांव के प्रत्येक घर से एक बुजुर्ग सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगर निचले सदन के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो समूचे सदन का चयन दोबारा किया जाता है। ग्रीक भाषा से मिलती है यहाँ की आम बोली। सिकंदर के सैनिकों का वंशज होने का दावा करने वाले कस्बे के लोगों की भाषा भी हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा से बहुत अलग है। मलाना के लोग जो भाषा बोलते हैं वह ग्रीक में बोली जाने वाली भाषा से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों की शक्ल भी ग्रीक देश के लोगों के साथ काफ़ी हद तक मिलती है। जमलू देवता के मंदिर में होता है अंतिम फैसला। इस संसद में घरेलू झगड़े, जमीन जायदाद के विवाद, हत्या, चोरी और बलात्कार जैसे मामलों पर सुनवाई होती है। दोषी को सजा सुनाई जाती है। संसद भवन के रूप में यहाँ पर एक ऐतिहासिक चौपाल है, जिसके ऊपर ऊपरी सदन के 11 सदस्य और निचले सदन के सदस्य बैठते हैं। अगर संसद किसी विवाद का निपटारा करने में विफल रहती है तो मामला स्थानीय देवता जमलू के सुपुर्द कर दिया जाता है और इस मामले में देवता का निर्णय माना जाता है। कस्बे की संसद में घरेलू झगड़े, जमीन जायदाद विवाद, हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे सभी मामलों पर सुनवाई कर दोषी को सजा सुनाई जाती है। संसद यहाँ पर चौपाल में लगती है। यहाँ पर ऊपरी व निचली सदन के सभी सदस्य बैठते हैं। अगर संसद में किसी विवाद का निपटारा नहीं होता तो इस मामले की सुनवाई देवता जमलू के सुपुर्द कर दी जाती है। अंत में संबंधित मामले में देवता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बकरों को चीरकर भरा जाता है जहर, जमलू देवता का फैसला अनूठा होता है। देवता के सामने दोनों पक्षों से एक एक बकरा मंगवाया जाता है। दोनों बकरों की टांगों को चीरकर उसमें निर्धारित मात्रा में जहर भरा जाता है। जिस पक्ष का बकरा पहले मर जाता है उसे दोषी मान लिया जाता है। इसके बाद दूसरे पक्ष को सजा भुगतनी पड़ती है। देवता के इस फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यदि कोई देवता के फैसले को चुनौती देने की कोशिश करता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। देवता के फैसले के समय बकरों को चीरने और जहर भरने का काम यहाँ पर 4 लोग करते हैं। उन्हें कठियाला कहा जाता है। मुगल शहंशाह भी नहीं कर पाया था गांव को फतेह। कस्बा मलाना के लोग अपने देवता जमलू के सिवाय किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। मुगल सम्राट अकबर भी इस गांव को अपने अधीन नहीं कर पाया था। कहते हैं कि इस गांव को अपने अधीन करने के लिए शहंशाह अकबर ने यहां के देवता जमलू की परीक्षा लेनी चाहिए थी। अकबर बादशाह को सबक सिखाने के लिए जमलू देवता ने दिल्ली में बर्फ गिरवा दी थी। इसके बाद अकबर ने जमलू देवता से माफ़ी मांगी थी। इस गांव में रीति रिवाज हिंदुओं की तरह ही है। साल में एक बार यहां के मंदिर में अकबर की पूजा भी की जाती है। इस पूजा को बाहरी लोग नहीं देख सकते। मंदिर में शहंशाह अकबर की प्रतिमा स्थापित है। फागली उत्सव पर होती है विशेष पूजा। फागली उत्सव में 18 करड़ू अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। अकबर की सोने की मूर्ति और चांदी के हिरण को भी बाहर निकालकर उसकी पूजा की जाती है। कारदारों का कहना है कि अकबर के लिए समर्पित सिर्फ 2 पर्व होते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि यमदग्नि ऋषि और अकबर के कथन अनुसार सभी को यहाँ की परंपरा निभानी पड़ती है। महिलाएं 3 दिन तक शाम के समय जमदग्नि ऋषि की धर्मपत्नी रेणुका के दरबार में नृत्य करती हैं। उस समय जमदग्नि ऋषि के 12 गांवों के लोग देवता की चाकरी के लिए 5 दिनों तक यहां पर मौजूद रहते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ चर्च का होता है यहां पर उत्पादन।
इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे अच्छा चर्स हिमालय की मलाना घाटी में ही तैयार होता है। यहाँ चर्स को काला सोना कहा जाता है। इस इलाके की खास बात यह है कि चर्स के अलावा दूसरी फसल नहीं होती। यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को कैंप में ही रहना पड़ता है। बाहर के लोग यहाँ के निवासियों के घरों को भी छू नहीं सकते। तो दोस्तों, यह थी भारत के कैसे कस्बे से जुड़ी जानकारी, जिसमें भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।